रात को सोता तो सोचना पड़ता था कि बच्चे लोग को सुबह में खचाए नाश्ता है कि नहीं, देखना पड़ता है। 5-6 बच्चे लोग को पालना पोसना बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए हम लोग बच्चे को वड़ा पर 5 रुपया देते हैं। कभी अभी तक इतना भाव बढ़ गया वड़ा, ये बटाटा तेल बेसन इतना महंगा हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चे लोग को 5 रुपया ही देते हैं वड़ा पर। मेरे को दिमाग में लगा कि आज हमारे बच्चे इस तरह से दिन जो गुजर रहे हैं तो और भी किसी के बच्चे होंगे, तो वो दिन नहीं गुजरना चाहिए। वो खाएंगे तो उनकी दुआ हमको लगेगी। कोई भी भूखा इंसान आवे, एक दो वड़ा पाव खाते है, चाय पिलाते हैं, चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैडम बाहर जाएंगे तो हमको 10-14 रुपए में वड़ा पाव मिलता है, पर इधर स्कूल के ड्रेस पे 5 रुपए में वड़ा पाव मिलता है। सतीश भाई ये तो मेरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं, मैं इनके अलावा किधर और वड़ा पाव कभी खाता ही नहीं। एकदम रीजनेबल है, बच्चे लोग के लिए तो एकदम अफोर्डेबल है कि भाई आ जाओ यहाँ पे, पैसे कम है कोई बात नहीं, आप खा के जाओ। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, तो 7वीं पढ़ने के बाद में तो उनको पढ़ाई का ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हम लोग मैं खुद मतलब कि छोटा मोटा ये काम करता था। साइन में साधना स्कूल में मैंने काम किया बचपन से, साधना स्कूल का कैंटीन चलाया। 20 साल के बाद में मैंने कैंटीन खुद से छोड़ दिया। जब कैंटीन छूटा हम लोग का, वो कैंटीन वाले लोग ने भी भाव बढ़ा दिया कैंटीन का। 50,000-60,000 भाड़ा मांगते थे, 1,00,000 डिपॉजिट मांगते थे, कहाँ से देने का इतना उनको। ये जो मैंने जब 2-3 महीना घर पे बैठा था, तो हम लोग को तो खर्चे के लिए बहुत भारी था। परिवार मेरा सब इधर ही है, पर किसी के पास हम लोग हाथ नहीं फैले। हम लोग वो दिन आता याद आता है तो उनको रोना आता है। स्कूल से मांग मांग के खाना खा के मेरे बच्चे बड़े हुए हैं सब, और अभी क्या बताऊँ आप लोग, वो दिन हम लोग याद नहीं करना चाहते हैं कभी। स्कूल में कुछ ऐसा मतलब खाना वगैरह बटता था तो घर पे टिफिन में भर के लेके आता था मैं, या तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता तो वो भी लेके आता था मैं मम्मी के लिए, घर के लिए, कोई घर पे खाए या ना खाए। खर्चा बहुत भारी पड़ जाता था, 5-6 बच्चे लोगों को पालना पोसना बहुत भारी पड़ता थी। गाड़ी साफ किया, बर्तन साफ किया, कटर लाइन में कपड़ा साफ किया, पूड़ी बनाया, सब कुछ किया। जैसा चावल पूड़ी भाजी जो बचता था डब्बे थैली में भर के लेके आता था बच्चे लोग को खाने के लिए। ऐसा दिन निकाला, चोरी नहीं किया, एक दिन पेट भरता था। यही से वजह से देखो हमारे धंधे पे हम लोग स्कूल के बच्चे लोग को 5 रुपए वड़ा पाव बेचते हैं। बच्चे लोग को 5 रुपया देते भाई, कौन गरीब है, हमारे जैसा टाइम था वैसे उनको भी किसी ना किसी को होगा, अभी हर कोई थोड़ी बताएगा उनका, वो खाएंगे तो उनकी दुआ हमको लगेगी बोल के, तो ये थोड़ा सर पे छत हो गया। नहीं तो पहले का पोजीशन आप देखते थे ना, तो आप लोग भी रोते थे, मैं तो ऐसा बैठ के रोती थी, शाम को क्या खाएंगे ऐसा सोचना पड़ता था मुझे। कभी दाल नहीं, चावल नहीं, चटनी रोटी ऐसा खा के मेरे बच्चे दिन निकाले। ज़्यादा तकलीफ होता था बच्चे लोग को तो रोना आता था, रोती थी कि बच्चे पैदा कर लिए, खिलाने के लिए नहीं है ये वो, तो बोलते थे ये बात बोलते थे कि मैं हूँ तो तू क्यों टेंशन ले रही है ना, वहाँ ये बोलते तो मतलब ऐसा बोलते थे, थोड़ा अपने को भी सहारा लगता था, हाँ चलो आदमी जिंदा है अपने पीछे है तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा स्कूल छोड़ता था, जोगरवाड़ी म्यूनसिपालिटी में बच्चे लोग छोड़ता था, तो हम लोग जाता था तो छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे बोले पापा भूख लगाए, तो मैं एक कोड़ा लाता था और बेकरी से एक लाती पाव ला के उसमें से थोड़ा थोड़ा भाजी डाल के बच्चे लोगों को खिला के फिर इधर लेके आता था। तो मेरे को दिमाग में लगा कि आज हमारे बच्चे इस तरह से दिन जो गुजर रहे हैं तो और भी किसी के बच्चे होंगे, तो वो दिन नहीं गुजरना चाहिए। उसके बाद में मैंने फिर बाद में रिसर्च किया कि साइंस सर्कल में वड़ा पाव का धंधा डालेगा। जिस टाइम मैंने वड़ा पाव का धंधा चालू किया, वो टाइम मैंने 6 रुपये वड़ा पाव बेच रहा था, तो स्कूल के जो बच्चे लोग यूनिफॉर्म आते हैं उनको मैं 3 रुपये वड़ा पाव देता था। अभी पगलिप सिटी का मैंने 10 किया तो बच्चे लोग का 5 रुपया वड़ा पाव आज का भी तारीख में देता हूँ। और हमारे धंधे के अंदर रूल है, कोई भी भूखा इंसान आवे, एक दो वड़ा पाव खाते हैं, चाय पिलाते हैं, चले जाते हैं।
टाइम बहुत मुसीबत से हम मतलब था कि हमारे वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। सपोर्ट करने का क्या है, तभी कोई करने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं कोई, घर परिवार वाला कोई। वो टाइम वही वो बड़ा वाला लड़का था, मैं थी, ये थे। पढ़ाई छूट गई, थोड़ा गम तो था, मतलब सोचा और आगे पढ़ाई करूँ, पर पापा साथ कोई था नहीं करके, इसलिए मेरे को साथ में खड़ा रहना पड़ा। बहुत सपोर्ट दिए मेरे बच्चे लोग, ये लोग नहीं देते सपोर्ट तो कोई नहीं, हम लोग आगे ही नहीं आते कभी। स्कूल छोड़ दिया था तो फिर आपने वही वड़ा पाव का धंधा चालू किया इस फटकी। एक चुली क्या है, वो भी मेरे साथ में बहुत फुटपाट का धंधा है, बहुत गाली सुना। उसके लिए उसको नहीं भूलना चाहिए। तभी नया नया धंधा फुटपाथ में हम लोग लगाए थे, हम लोग को ये सब सुनने का आदत नहीं था। मुझे तो इतना रोना आता था, मैं बैठ कर रोती थी। फिर बाद में जब ऐसा ऐसा थोड़ा एक महीना दो महीना गया तो हमको भी आदत लग गई उन लोग की गाली सुनने की, चार बात सुनने की। अभी बोलते हैं ना वो कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है इंसान को, तो वो क्या पाली का याद करेगा तो बहुत तकलीफ होता है। अभी तो हर एक चीज ऊपर वाले के जरिए से कुछ कम नहीं है। ये तो घर अभी देख रहे हैं आप, बना हुआ है। पहला तो इतना बारिश गिरता था कि हम लोग यही सोचता था कि सोएंगे कैसा, बहुत पानी भर जाता था यहाँ। ये मानती हूँ कि बम्बई में मेहनत करता है इंसान तो सुबह से शाम तक खाने के लिए मिलता है, भूखा नहीं मरता है, लेकिन इंसान को करना चाहिए उतना। 5:30 बजे सुबह में उठता हूँ, उसके बाद में इधर नहा धो के पूजा पाठ करके 6:45 बजे इधर आएगा बराठा उबालेगा, फिर बच्चे लोग आए उठेंगे तो बराठा वराठा आपके सामने छीनेंगे, फिर 10:30-11 बजे के घर से निकल जाता हूँ। 11 बजे घर से निकल गया तो फिर पूरा दिन साइन में चला जाता, फिर इधर घर पे आते आते 9:30-10:11 बज जाते आते आते। मैं ट्रेन से आता जाता हूँ, बच्चे लोगों के गाड़ी से आता जाते। आने के बाद में फिर सुबह का तैयारी करना पड़ता है, जैसा लहसुन छिलो, अदरक छिलो, मिर्ची तोड़ो कि सुबह काम जल्दी हो जाए। बहुत कस्टमर बोलते हैं कि वड़ा पाव का प्राइस बढ़ाओ, पर मैं नहीं बढ़ाया। अभी बीच में पराठा जनवरी महीने में 50 रुपये किलो हो गया था, 60 रुपये किलो हो गया था, तो मैंने फिर भी वड़ा पाव 10 रुपये ही बेचा था। फैमिली में कोई भी सामने नहीं आते जैसा बोलने के लिए कि हाँ क्यों बच्चे लोग को देते हैं 5 रुपये, गरीब को बांटते हैं, ऐसा कोई नहीं। सबको खुशी है हमारे फैमिली में। गरीब लोग आते हैं 10-20-25-50 वड़ा पाव जाते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, वो लोग खाते हैं आराम से जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, मेरे खुशी की बात है। साइन हॉस्पिटल बाजू में ये उधर नज़दीकी है, कितने लोग ऐसे गरीब दुखिया लोग आते हैं, मुंह देखोगे तो एकदम सूखा सूखा, ऐसा छोटा छोटा कि पैसा नहीं है, सुबह से लाइन लगा के हॉस्पिटल में इतना परेशान होते हैं। हम लोग खुद बोलते हैं भाई लोग खाओ, अगर पैसा है तो दो, नहीं है तो मत दो। मेरे लाइफ का एक ही शॉर्ट बताता हूँ कि जो इंसान अगर गरीबी के अंदर कोई ज़्यादा कदम उठा लेता है, जैसा गरीबी है, वो तो इंसान मर जाता है, मगर मरने के बाद में उनका फैमिली का क्या तरीका होता है वो तो कभी देख नहीं सकते। तो मैं हर इंसान को यही बोलूँगा कि मुसीबत सिर पे कितना भी आवे, गलत कदम कहीं भी उठाना चाहिए, उसको हिम्मत से काम लो। हम तो गांव में सेटल होने लगे, लेकिन हमको मैंने कहा 3 बच्चे कमा रहे हो तो 1000-1000 रुपये भी देगो तो तीनों महीने का 3000 दोगे तो हमारा दोनों जन का बुड्ढे बुड्ढे का आराम से जिंदगी कट जाएगी, क्या जरूरत रहेगी हमारे, बस 2 रोटी से मतलब रहेगा, बस बस फिलहाल इतना ही, और तो देखो अभी आगे ऊपर वाली क्या मर्जी। बचपन में हम लोग के पास खाने आते थे और बाकी जितने भी वड़ा पाव वाले सब तब भी उनका रेट 8 रुपया 10 रुपये ऐसा रहता था। ये अंकल यूनिफॉर्म वाले बच्चे लोग को 5 रुपये में वड़ा पाव देते हैं और टेस्ट भी अच्छा है। मैं इधर से 5 साल से आ रहा हूँ इधर, और ऐसा लग रहा है कि आते जाओ डेली कभी भी,